जनाब सदर मदरसा व मस्जिद मेराजुल उलूम के तमाम ट्रस्टियान, तमामी मुसल्लियान और तमामी हमारे उलमा इकराम और तमामी प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं मदरसा मेराजुल उलूम व मस्जिद के तमामी ट्रस्टियान और तमामी साथ में आएगा मस्जिद व मदरसा सवाल अजीन और मदरसा व मस्जिद मेराजुल उलूम के तमामी ट्रस्टियान का, उलमा इकराम का, मुसल्लियान का और मोहल्ले के तमामी अराकीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने मुझको और हमारे साथियों का बुलाकर आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह का लाख लाख एहसान व शुक्र है। जिस नियत के साथ और जिस खुलूस नियत के साथ हम लोगों ने महाराष्ट्र की तारीखी फैसला करवाने के अंदर जो हमने काम हाथ में लिया था, महाराष्ट्र हुकूमत ने एक तारीखी फैसला किया, मैं तारीखी फैसला बोल रहा हूँ। बात असल में इसलिए मुझे ये बात साफ और वाजे करना पड़ रही है क्योंकि शहर में ही इसके अंदर इख्तलाफ सोशल मीडिया पे और अखबारात के अंदर आए, इसके लिए मैं वाजे कर रहा हूँ। और इख्तलाफ होना भी चाहिए ताकि हम लोग सफाई दे सके, लेकिन ऐसा है ना, मैं सियासी इंसान हूँ, हमेशा अपना हुनर मैं बचा के चलता हूँ, काम करने का हुनर। 2012 में कांग्रेस पार्टी की एनसीपी की हुकूमत थी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और उस वक्त के वजीर माइनॉरिटी के आरिफ नसीम खान साहब ने एक स्कीम बनाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा के नाम से एक स्कीम बनाई और उस स्कीम में इतने शरायत लागू कर दिए गए कि मैं समझता हूं कि वो स्कीम फेल हो गई। उसमें इन्वर्टर लगाया जा सकता था उस स्कीम के तहत, लेकिन सोलर सिस्टम नहीं लगाया जा सकता था, उसमें कानून में कोई उल्लेख नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। और इस मर्तबा हमने जो काम हाथ में लिया, अजीत दादा पवार साहब की खुसूसी तवज्जे से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी की मेरे साथ मीटिंग करवाई गई और हमने हमारे हाथों से यह लिख कर दिया कि वो वाले जीआर में जो 2012 का था उसमें सोलर पैनल का उल्लेख नहीं है, इसके लिए उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, तरमीम की जाए। उसमें तरमीम हुआ और तरमीम होने के बाद अब वो स्कीम अगर किसी को लेना है तो वो स्कीम ले सकता है, उस स्कीम के तहत भी महाराष्ट्र में लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मैं भी अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मस्जिद में खड़ा हूँ, मैं भी ईमान वाला हूँ, मुसलमान हूँ, मैं तो यहाँ झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं सच ये बात बोलना चाहता हूँ। अल्लाह के घर में कि वो 2012 की जो स्कीम है अगर आप पढ़ोगे तो उसमें मस्जिद का मदरसे का अकाउंट नंबर भी मांगा जा रहा था, वो लिखा हुआ था, रजिस्ट्रेशन मंगाया जा रहा था, मदरसा अगर चलता है तो बच्चों की तादाद मंगाई जा रही थी, अगर हाफिज साहब जितने भी उसके अंदर है, इमाम है, मौजिन है, उनकी डिटेल मंगाई जा रही थी,
और बहुत ऐसे शरायत थी, वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन या चैरिटी कमिश्नर का रजिस्ट्रेशन, ट्रस्टियान की पूरी डिटेल्स, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी उसके अंदर शरायत थी जो कोई पूरी नहीं कर सकता था। और मैंने भी उसको इनकार किया, मेरे सामने भी प्रपोजल आया कि आप इस स्कीम के तहत ये स्कीम को लेकर जाइए और मालेगांव में सोलार लगाइए। मैंने वाजे तौर पर कहा कि मैं ये स्कीम को नहीं ले जा सकता हूँ, मेरे शहर में नहीं लगेगा चलेगा, लेकिन मैं वो स्कीम के तहत नहीं लगा सकता हूँ 2012 के तहत। मैंने एकदम साफ तौर पर कहा अगर ये स्कीम बहुत सक्सेस थी, कामयाब थी, तो फिर पूरे महाराष्ट्र के अंदर क्यों इसको कामयाब, ये स्कीम कामयाब क्यों नहीं हुई, ये सवाल हमारे सामने, क्योंकि ट्रस्टियान ने या मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट किया, इनकार किया। मैंने वाजे तौर पर कहा अजीत दादा पवार साहब और सेक्रेटरी जो भी ऑफिसरान थे कि हमको ऐसा पैसा चाहिए कि आप हमको फंड दे, वो लग जावे और काम खत्म हो जावे। मैंने उनको साफ तौर पर कहा कि आप रास्ते के लिए फंड देते हो, सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनाना, गार्डन डेवलप करना, इमारत बनाना, शादी हॉल बनाना, जैसे तुम फंड देते हो उसी तरीके से फंड दे दो उसी टाइटल के नाम से, उसका टेंडर गवर्नमेंट निकाले, उसका एजेंसी गवर्नमेंट तय करे, सिर्फ वो आए ठेकेदार और सोलार फिट करे और वो घर चले जाए। और सिर्फ लाइट बिल इसके लिए मांगा गया, और ट्रस्टियान के ये जो मदरसा मस्जिद जो हम लोग परमिशन लिए है, 7-12 उतारा हो, घर पट्टी हो, रिवीजन उतारा हो, कि भाई ये ट्रस्टियान है कि नहीं, यहाँ प्राइवेट तो नहीं है, बस इसके लिए दो चीज मांगी गई और कुछ नहीं मांगा गया। और लाइट बिल भी इसके लिए मांगा गया कि लोड कितना है, यानी आज मीटर लगा हुआ है तो कितना बिजली खर्चा होती है, उसका लोड कितना है, उसका बिल कितना आता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सोलार लगेगा। अब अगर उसको 5 लाख खर्चा है बिल के हिसाब से और मैंने 1 लाख का ला के बैठा दिया तो बोलेंगे अरे तो चिराग जलाने के लिए दिए, फायदा नहीं ना। तो पूरा सिस्टम चलना चाहिए, इसके लिए लोड के लिए लाइट बिल मांगी गई, और वो लोड पकड़कर उसका सोलार का क्या, वो 5 लाख का लगे, 6 लाख का लगे, 4 लाख का कितना खर्चा आएगा, वो लोड के हिसाब से तय होता है। तो अल्लाह के करम से वो मंजूर हुआ, वैसा जीआर निकला और मदरसा वो मस्जिद के नाम से मैंने पूरी यादी को मंजूरी लाई, जीआर निकला मदरसे के नाम से और जो मंजूरी लाई मैंने यादी से मदरसा और मस्जिद, क्योंकि हमारा 90% मदरसा और मस्जिद के नाम से ही परमिशन होता है। और अल्लाह का करम है कि हर मस्जिद के अंदर मदरसा चलता है सुबह और शाम। तो इसके लिए इस तरीके से ये प्रोसीजर हुई और अल्लाह के करम से उसमें हम कामयाब हुए। आज कलेक्टर साहब के पास वो प्रपोजल आज पहुंचा है, मुझे उम्मीद है आज रात में या पीर के दिन वो मंजूर हो जावे, उसके बाद वो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इंशाल्लाह हमारी अपनी कोशिश है कि 10 अक्टूबर से पहले पहले मस्जिद और मदरसे के अंदर सोलार सिस्टम फिट हो जाना चाहिए, यह हमारी कोशिश है। और 25 अक्टूबर से पहले पहले ये काम पूरे शहर का ख़त्म हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, यह हमारी अपनी कोशिश जारी है और इंशाल्लाह वो मुकम्मल होगी। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ, किसके भी मन में कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए, हम भी मुसलमान हैं, मैं भी ईमान वाला हूं। अगर वो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर इसके अंदर अगर होगा तो मैं वैसा पैसा कभी नहीं लूंगा। मुझे भी समझता है कौन सी ग्रांट लेना और कौन सी नहीं लेना, तजुर्बा है, 20-22 साल मेरे को सियासत में हो गए, मुझे तजुर्बा है ना कौन सा पैसा लेना और कौन सा पैसा नहीं लेना। तो ये एकदम सिंपल पैसा आया हुआ और सिंपल चला जाएगा, ठेकेदार लगा के चला जाएगा, हमसे कोई हिसाब किताब कुछ नहीं, कुछ नहीं। और 5 साल मेंटेनेंस, अगर उसमें कोई दुरुस्ती वगैरह करना है, खराबी हो गई, कोई मसला हो गया, तो कंपनी आएगी वो दुरुस्त तो करके जाएंगी, 5 साल हमको कोई खर्चा नहीं करना है। अब बिजली का बिल अगर हमारा मान लीजिए 25,000 आ रहा है, 30,000 महीने का आ रहा है, वो बचेगा। मैं तो आज ये अपील करना चाहता हूँ ट्रस्टियान से
यहाँ ट्रस्टियान बैठे हैं और शहर के तमाम ही जहाँ पर सोलर पैनल फिट होने वाला है वो ट्रस्टियान से मैं तो अपील करता हूँ कि अगर हमारा पैसे की बचत होगी तो आपको इख्तियार है, मुझे उसके अंदर अमल दखल करने का कोई इख्तियार नहीं, कोई हक नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर 25,000-30,000 बच रहा है तो इमाम साहब और मौजिन साहब की तनख्वाह कम से कम बढ़ा दी जाए, क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर तनख्वाह बहुत कम है और वो खिदमत अंजाम देते हैं, फजर में आते हैं, जोहर में आते हैं, असर में आते हैं, मगरिब में आते हैं, ईशा में आते हैं, तरावी पढ़ाते हैं, तो उनकी उनका हक जो है वो हमको अदा करना चाहिए। ये अपील करता हूँ कि अगर पैसा बचत होगी तो उनका ख्याल रखा जाए, ये अपील करना चाहता हूँ आज मैं। बहरहाल अल्लाह का करम है कि मैं उस मिजाज का, उस सोच का इंसान हूँ कि मेरी कौम का हुकूमत से कितना फ़ायदा हो उतना मैं कराने की कोशिश हमेशा करता रहा हूँ। आपने देखा इमाम अहमद रज़ा ईदगाह हो, महाद मिल्लत ईदगाह हो, खलील सेठ ईदगाह हो, खलील हाई स्कूल की जो ईदगाह है वो हो, ऐसे कई ईदगाहों पर मैंने वॉल कंपाउंड मंजूर करवाया, हुकूमत के फंड से करवाया, टेंडर निकला, फंड आया, काम हुआ, कंप्लीट हो गया, ठेकेदार घर चला गया, आज भी वॉल कंपाउंड है। आज तक कोई नहीं आया उनसे पूछने के वॉल कंपाउंड का हिसाब, तो ऐसा नहीं है। तो जब जब मुझे मौका मिला मैंने काम करने की कोशिश की और इंशाल्लाह अल्लाह का करम है कि अभी 225 मस्जिद के जिम्मेदारान ने मेरे पास वापस लाइट बिल ला कर दिया, मैंने फहरिस्त पहुंचा दी, मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जावे, नहीं मिलेगा तो आचार संहिता के बाद इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। तो आप लोग इत्मीनान रख के अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहा है, मेरे साथियों से काम ले रहा है और मैं कर रहा हूँ, और आप लोग भी दुआएं करिए अल्लाह ताला इसी तरीके से मुझसे काम लेते रहे। और मैं तनकीद की, मुखालफत की कोई परवाह नहीं करता हूँ, मैं सीधा मंजिल पे कैसे पहुँचे वो काम करता हूँ, और आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं मंजिल पर पहुँचूँ हर काम में, यही अपील करता हूँ। और तमाम ही आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरे साथियों को इस्तकबाल किया, आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।